ये पॉलिटी का सेकेंड पार्ट है दोस्तों। ये फर्स्ट पार्ट थोड़ा स्लो था तो थोड़ा इसे फास्ट करेंगे ताकि इसे और दो पार्ट में कंप्लीट किया जा सके। आपको ये सीरीज़ कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, हमारे वीडियो को चैनल को शेयर करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं बाकी के कुछ प्रश्न जो बच गए थे सीरीज़ के। क्वेश्चन नंबर 32 से शुरू करना है। एज पर द मुद्रा स्कीम लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, व्हाट इज द नेम ऑफ कैटेगरी ऑफ लोन दैट कैन बी अवेलेबल बाय माइक्रो यूनिट बिटवीन 0.5 लाख टू 10 लाख। राइट, तो ये पहले समझ लें मुद्रा स्कीम क्या है। 8 अप्रैल 2015 को भारत सरकार मुद्रा लोन लॉन्च की थी जिसमें ये कॉरपोरेट को नहीं दिया जाता है लोन, ये आम लोगों को दिया जाता है, छोटे छोटे स्मॉल बिजनेसमैन जो करते हैं उनको दिया जाता है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख रुपए तक का लोन होता है। ये लोन कौन देगा? तो जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, MFIs हैं या NBFs हैं, तो वो देंगे। ये तीन कैटेगरी में बटे हुए हैं, ये तो तीन कैटेगरी में है। पहला है शिशु लोन, दूसरा है तरुण और तीसरा है किशोर। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर शिशु होगा क्योंकि ये माइक्रो यूनिट्स के लिए पूछ रहा है, तो ये शिशु लोन होगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन इम्बार्क इन द रिसेंट बजट ऑफ द नेशनल न्यूट्रिशन मिशन? तो इसका आंसर है ये 9,046 करोड़ रुपया दिया गया था न्यूट्रिशन के लिए, तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पार्ट 18 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ, ये इमरजेंसी के प्रोविज़न को डील करता है। इमरजेंसी के प्रोविज़न के बारे में समझें, ये भारत के संविधान में ये 352 से 352 से 360 के बीच आता है। तीन तरीके के इमरजेंसी होते हैं, एक होता है नेशनल इमरजेंसी, एक होगा नेशनल इमरजेंसी, दूसरा होता है कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक, तीसरा होता है फिनेंशियल। ठीक, तो ये तीन तरीके के प्रोविज़न हैं इमरजेंसी के। और जो 352 है, 352 जो है वो एक्सटर्नल वॉर हो या कोई बाहर से कोई अटैक होने वाला हो तो लगाया जाता है। या इसमें दो क्लॉज हैं, रिवेलियन, इंटरनल रिवेलियन बोलते हैं, रिवेलियन वर्ड बाद में जोड़ा गया, जो शस्त्र के साथ अगर कोई डिस्टरबेंस होता है तो इमरजेंसी लगाया जा सकता है। ये अमेंडमेंट 44 में ऐड किया गया था, इसके पहले ये वर्ड इंटरनल डिस्टरबेंस था। और आपको पता ही है कि कैसे इस प्रोविज़न का मिसयूज करके इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाई थी और फिर देश का क्या स्थिति हुआ था और फिर कितने सारे काम हुए कि इंदिरा गांधी के जीवन का सबसे, उनके टेन्योर का सबसे बुरा और सबसे ख़राब स्टेप यही माना जाता है इमरजेंसी का। तो ये आर्टिकल अभी तक 3 बार लगाए जा चुके हैं। पहला है 1962 में लगा था, आपको पता ही है 1962 के बारे में, ये इंडो चाइना वार। दूसरा 1971 में लगा, ये भी वॉर का सिचुएशन था, ये पता है ना, सियाचिन, आज का सियाचिन चाइना के पास चला गया, छोटी सी भूल थी हमारी, वो युद्ध हम ऐसे ही हार गए थे और भारत का सबसे सर्वनाश हार हुआ था इस युद्ध में। ऐसे उसके बाद हम कई युद्ध नहीं हारे और इसकी बहुत कहानियां हैं जो कभी हिस्ट्री के लेक्चर में बताया जाएगा। 1971 का वार तो आपको पता ही है, ये भारत का सबसे बड़ा विक्ट्री माना जाता है। लगभग कहा जाता है 97,000 सैनिक पाकिस्तान के हमने बंदी बना लिए थे इस वॉर में। और 16 दिसंबर का दिन जो है वो विजय दिवस नहीं, उस दिन बांग्लादेश को अलग कर दिया गया था और इंदिरा गांधी को दुर्गा करके संबोधित किया गया था। तो ये हमारे ग्लोरियस हिस्ट्री में शामिल है, सर मॉनिक सो का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था इसमें, तो इस पर नहीं आते। और फिर जो दो तो एक्सटर्नल वॉर के लगे वजह से हुए
और जो तीसरा था वो 1975 वाला, ये इंदिरा गांधी लगाई थी इंटरनल डिस्टरबेंस बोल के, बाद में फिर मुरारजी देसाई का सरकार आया तो इंटरनल डिस्टरबेंस को हटा के इंटरनेशनल रिवेलियन करके वर्ड ऐड किया गया। ठीक है, तो इतना सारा डिस्कशन इस पर, ये इमरजेंसी प्रोविज़न इन इंडिया यहाँ होगा। टेम्प्ररी ट्रांजिशनल स्पेशल प्रोविज़न इज डील्ड बाई विच आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब ये इतिहास हो गया, नरेंद्र मोदी के सरकार में शायद 8 अगस्त 2019 को बहुत ड्रामेटिक तरीके से ये प्रोविज़न हटा दिया गया है, और आप गेस करके बताएं, है ना, दोनों गुजरात के हैं, और व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, ये द बोन ऑफ कंटेंशन था इन भारत के लिए हमेशा से जम्मू कश्मीर, तो ये ख़त्म हो गया आर्टिकल 370। और अगर कभी आप जानना चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में बताएं, बहुत रोचक कहानी है कैसे कैसे इसे हटाया गया था, एकदम इम्पॉसिबल सा कुछ था ये आर्टिकल, और फिर उसको कैसे हटाया गया, कैसे स्क्रैप किया गया, व्हाट ए इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो कभी वक्त मिलेगा तो इस पर बातें होंगी। डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी कम अंडर विच मिनिस्ट्री, तो शायद ये आप जानते ही होंगे, ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। कमेंट बॉक्स में बताएं कि अभी होम मिनिस्टर्स कौन है और ये किसके अंदर में आता है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड डैश एंड अ मैगजीन पंचायत दर्पण टू मॉनिटर प्रोग्रेस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ संसद आदर्श ग्राम योजना। तो जानकारी के लिए बता दें, ये समन्वय है, समन्वय का मतलब होता है हारमनी। बेसिकली ये इसलिए होता है कि आपके डिपार्टमेंट में लोगों के रिश्ते कैसे हैं, और किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी संस्था या किसी भी चीज़ के अंदर उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कितना हारमोनियस है, उसके लिए योजना लॉन्च किया गया था। आप डिटेल में गूगल करके से पढ़ लें। पब्लिक ओपिनियन का मतलब क्या है? देखिए, पब्लिक ओपिनियन का मतलब होता है ऐसा ओपिनियन जो मेजोरिटी ऑफ पीपल का हो, है ना, उसको पब्लिक ओपिनियन कहते हैं। ठीक है, अगर देश में अगर किसी की सरकार बनती है, वी हैव टू बो डाउन टू दैट गवर्नमेंट बिकॉज बिकॉज द मेजोरिटी ऑफ पीपल वोट फॉर देम, है ना, तो इसको बोलते हैं पब्लिक ओपिनियन। ठीक है, फिर तो वही क्वेश्चन। इन इंडिया द लार्जेस्ट सिंगल आइटम ऑफ करेंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, भारत सरकार सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट पे खर्च करती है, तो आप ध्यान से देख लें, ये इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ डेप्ट है। इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ डेप्ट क्या होता है? उधार चुकाने में, वर्ल्ड बैंक से कर्ज लिए हैं और बहुत सारा बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उसके लिए ये भारत सरकार का सबसे अधिक पैसा इंटरेस्ट पेमेंट पे चला जाता है। ठीक है, द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज इनकॉर्पोरेटेड इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नर के बारे में आपको पता है, ये बहुत विवादित तो शुरुआत से ही रहा है। अभी झारखंड के गवर्नर कौन हैं बताइए? झारखंड के गवर्नर हैं अभी रमेश बैस। बैस का स्पेलिंग कैसे होता है पता है? एक्चुअली में बायस है, रमेश बायस, है ना, तो रमेश बायस अभी गवर्नर हैं झारखंड के। आपको बता रहे हैं कि ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, ये आर्टिकल 155 के अंतर्गत आएगा। द टर्म ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट इज, तो आप जानते ही हैं ये 5 साल है, ये 5 साल तब तक जब तक प्रेसिडेंट चाहें, इसको बोलते हैं प्रसाद पर्यंत पे, जब तक राष्ट्रपति जी चाहेंगे तब तक 5 साल मिनिमम है। ठीक है, हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये थे राजगोपालचारी, चक्रवर्ती राजगोपालचारी, सी राजगोपालचारी मतलब चक्रवर्ती महाराजा थे, और अंग्रेज कौन था? अंग्रेज का नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। फरवरी में आए थे और अगस्त में तो देश आज़ाद ही हो गया, तो सबसे कम समय के लिए रहे थे, है ना। ठीक है, शायद ये भारत को आज़ादी देने ही आए थे, दिलाने ही मतलब। स्कीम वॉज लॉन्च बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द क्लीनलीनेस ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के स्वच्छता के लिए, ये बाल स्वच्छ मिशन है। ठीक है, चाचा नेहरू जवाहरलाल नेहरू के 125वें बर्थडे पे, है
ना 125वें बर्थडे पे ये लॉन्च किया गया था, और मेनका गांधी इसको लॉन्च किए थे। उस समय वो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड वेलफेयर के डिपार्टमेंट में थे, और उस समय योजना लॉन्च किया गया था। ये क्वेश्चन है, हु इज़ इन चार्ज ऑफ द ऑफिस इफ बोथ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट रिजाइंस। कहता है कि अगर दोनों नहीं हैं, अगर प्रेसिडेंट भी नहीं हो और वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं हो, तो ऑफिस किसके पास चला जाता है, मतलब कौन उसको फिर संभालेगा। तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास चला जाता है। ठीक है, आप इसे याद, एक बार ऐसा हुआ है, कमेंट बॉक्स में बताएं मैं किसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द चीफ लीगल एडवाइज़र ऑफ द गवर्नमेंट। भारत सरकार का चीफ लीगल एडवाइज़र कौन होता है। ठीक, तो आप इसके बारे में जानते ही हैं, ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को चीफ एडवाइज़र बोला जाता है। अगर परामर्श लेना हो तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से लेगा, लेकिन ऐसे उसका विधि अधिकारी कौन होता है, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और आपको बताया था ये आर्टिकल 76 के अंतर्गत आता है। राइट, द प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर, तो आप जानते हैं 1950 में ये एग्जिस्टेंस में आया था। प्लानिंग कमीशन अब नहीं रहा 2014 के बाद, नीति आयोग के आ जाने के बाद ये समाप्त हो गया है। तो ये बात आप याद रखें, आगे बढ़ते हैं। हु इज़ इन चार्ज ऑफ द ऑफिस, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट है लीगल एडवाइज़र वाला। द प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर। प्लानिंग कमीशन भारत में कब सेट किया गया था, फिर से वही क्वेश्चन है ये। ठीक, मीन्स केसेस दैट कैन बी डायरेक्टली कंसिडर्ड बाई द सुप्रीम कोर्ट विदाउट गोइंग टू द लोअर कोर्ट बिफोर दैट। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के 6 ज्यूरिडिक्शन होते हैं, एडवाइजरी, अपीलेट, रीट, ओरिजिनल, अदर्स, ऑल दैट। तो ये बोल रहा है कि इसमें से कौन सा है ये, तो ये ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के अंतर्गत आता है। और सबका मतलब है, ये रीट कब जारी होते हैं, 5 प्रकार के रीट होते हैं, जब आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रीट्स आर्टिकल 32 के तहत देती है, जिसमें हैबियस कॉर्पस है, क्यू वारंटो, सिटररी प्रोहिबिशन, मेमेंडस, इस तरीके से। तो वो हो गया अपीलेट ज्यूरिडिक्शन का मतलब, कि अगर आपको यहाँ केस फाइल करते हैं हम लोग, तो अपीलेट बोलते हैं उसको। एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन समझते ही हैं, अगर गवर्नर या प्रेसिडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो लीगल मैटर पे उनको एडवाइस करने का अधिकार। तो ये सब आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर जुबिन ईरानी इज़ अ मेंबर ऑफ, ये उत्तर प्रदेश की हैं, आप इनके बारे में जानते हैं, यूपी की रहने वाली हैं, और उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी के ओपोनेंट में इलेक्शन लड़ी थी, हालांकि इनका हार हुआ था 2014 के इलेक्शन में। 49 नंबर, एन इंडिविजुअल हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कैन बी अपॉइंट एज अ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बट ही मस्ट बी द मेंबर ऑफ इधर हाउस इन द हाउ मेनी ईयर्स। ये मनमोहन सिंह के साथ हुआ था, 6 महीना में आपको किसी भी मेंबर का, और अरुण जेटली के साथ भी अगर हो चुका है, अगर आप कोई भी इलेक्शन में कोई पोस्ट नहीं जीतते हैं और अगर आपको मिनिस्टर बना दिया जाता है, तो 6 महीने में आपको कि कहीं का मेंबर बनना होगा, कोई इलेक्शन जीतना होता है। तो बाई इलेक्शन में लोग इनको जिता दिया करते हैं, ऐसा है। इन इंडिया वट इज़ द मिनिमम परमिशेबल एज फॉर एम्प्लॉयमेंट इन द फैक्ट्री। आर्टिकल 24 क्या कहता है, ज़रा बताएं आप। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आप काम पे नहीं रख सकते, वो बाल मजदूरी, बंधुआ मजदूरी के अंतर्गत आ जाता है, चाइल्ड अब्यूज़ के अंतर्गत। और ये आर्टिकल 24 जो है वो इसको रोकता है, ये फंडामेंटल राइट्स है किसी भी चाइल्ड का, कि 14 साल से कम के बच्चा को अगर आप फैक्ट्री में या किसी काम में लगाते हैं तो वो अपराध माना जाता है। ये फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत है, शोषण के विरुद्ध अधिकार में। मीन्स दैट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रेफर एनी मैटर दैट इज पब्लिक इंपॉर्टेंस और इन्वॉल्व इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पब्लिक इंटरेस्ट में अगर कोई मैटर है और उसमें लॉ क्या हो सकता है, इसके लिए अगर प्रेसिडेंट को कोई सलाह चाहिए होगा, तो वो सुप्रीम कोर्ट से पूछते हैं। ये आपके एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन के अंतर्गत आता है, तो इसको समझ लें। नेक्स्ट, द रिसेंटली री लॉन्च्ड
वृद्धा पेंशन बीमा योजना एडमिनिस्टर्ड बाई LIC विल बी अवेलेबल फ्रॉम 15 अगस्त 2014। अब तो ये समाप्त हो गया, लेकिन ये 2014 एक साल के लिए था, जो 14 से 15, ये पुराना करंट अफेयर है पर इम्पॉर्टेंट। IPC का मतलब क्या होता है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और भारतीय इतिहास का सबसे ख़राब ये लगता है कि इतने सालों में हम अपना एक IPC नहीं बना पाए। IPC का फुल फॉर्म होता है इंडियन पिनल कोड, ठीक। इंडियन पिनल कोड है क्या, देखिए, चार्टर एक्ट 1833, 1833, चार्टर एक्ट में एक टीबी मैकॉले करके एक ना बहुत बुद्धिमान आदमी था, हालांकि बुद्धिमान नहीं कह सकते, इडियट कह सकते हैं आप, तो वो दंड संहिता बनाया भारत के लिए, और इतना बाहियात है कि अगर आप जो लोग लॉ प्रोफेशन के होंगे शायद वो ऑफेंडेड फील करेंगे, बट ये सच्चाई है कि यहाँ जो बड़े लोग हैं जिनके हाथ में पावर है, पोजीशन है, वो हमेशा कानून से निकल सकते हैं, समझ गए। ऐसे ऐसे लॉ हैं कि आप पढ़ेंगे तो बहुत फनी लगेगा, और कुछ ऐसे लॉ हैं जिनको शायद स्क्रैप भी नहीं किया गया। ये 1833 के चार्टर में आए थे, लेकिन इसे बन के ये तैयार हुआ 1860 में, इसके डायरेक्शन में 1862 से भारत में लागू हुआ, 1940 तक हूबहू चलता था ये, और इसको सारे प्रिंसली स्टेट भी अडॉप्ट करते थे, बट हुआ ये बीच में कि इंडियन पिनल कोड को कुछ चेंजेस के साथ भारत में लागू कर दिया गया, और आज भी यही चल रहा है। तो ये बहुत शर्मनाक है कि एटलीस्ट ये तो बदलना चाहिए था, क्योंकि उस समय ये बनाए थे अंग्रेज अपने सेफ गार्ड के लिए कि किस तरीके से हम बच जाएं, और जो केस फाइल करने आया है वो हम तक नहीं पहुंच सके। तो शायद अब ये चेंज होना चाहिए, और भारत में तो आपको पता ही है, भारत का लॉ ही है कि 1000 कैदी छूट जाएं लेकिन एक निरपराध को सज़ा नहीं हो सके, इसीलिए बहुत लेंथी प्रोसेस है और बहुत चलता भी है। खैर, इतनी सारी बातें, ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम के लिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन सम लिबर्टीज टू इट्स सिटीजन्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट इट। सिटीजन इज़ फ्री टू द लिबर्टी ऑफ, तो देख लें, इस एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच तो होगा, है ना। तो 54 में चारों ऑप्शन देखें, गैदर पीसफुली ये भी है, टू परचेज लैंड एंड प्रॉपर्टी इन एनी पार्ट भी है, टू डू बिजनेस एनी ट्रेड ये नहीं होगा, लिस्ट प्रिपेयर्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट ये नहीं हो सकता है, और एसोसिएशन यूनियन तो बना ही सकते हैं। तो 54 आई थिंक आपको समझ आया होगा। 55 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द पावर प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स मेंबर, है ना। ये आर्टिकल 105 से 194 के बीच आता है, सारे पार्ट आप पढ़ लें ये, ठीक है। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे, अभी तो ओम बिरला हैं आप जानते होंगे, उस समय थे JV मालवंकर, गणेश विद्यार्थी मालवंकर, ठीक है। आगे बढ़ें, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिश द अनटचेबिलिटी, ठीक है, ये 17 में है, ये इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ठीक, ये ऑसर का है, और ये 44 तो DPSP का हो गया, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज का। 17 क्या है कि किसी भी कास्ट, सिक्स, क्रीड, रिलीजन के बेसिस पे आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, बट भारत के प्रैक्टिसेस में आज भी है शामिल, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण केरल है। एक बार विवेकानंद जी केरल को पागलखाना भूल के आए थे कि वहाँ ये मत छुओ, ये मत खाओ, इसको मत छुओ, ये बहुत है, इन न्यूसेंस लोग वहाँ पर रहते हैं। भाईकॉम सत्याग्रह में नेशनल इंटरेस्ट, पूरा दुनिया के इंटरेस्ट में आ गया था भाईकॉम सत्याग्रह में, इवन गांधी जी को मंदिर में घुसने का अलाउड नहीं था, बिकॉज वो पता ही है आपको, अपर कास्ट से बिलोंग नहीं करते। तो अनटचेबिलिटी भारत का एक बहुत पुराना रोग है, बट ये अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, और आई होप कि एक दिन हमारा देश ऐसा हो जब हम इन सब बुराइयों से बाहर निकल जाएं। माई विश शायद ऐसा हो पाए। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज़ अपॉइंटेड बाई द, अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन जब भी आए आप आँख बंद करके प्रेसिडेंट कर सकते हैं, और मैक्सिमम टाइम ऐसे ही होगा, किसी किसी केस में नहीं है। टू पार्टी सिस्टम कहाँ होता है, ये होता है USA में।
हर जगह मल्टीपल पार्टी है। इंडिया में तो 6 नेशनल पार्टीज हैं और उसके अलावा तो पता नहीं कितने हैं। तो यूएसए में 2 पार्टी है, एक है डेमोक्रेट्स और एक है रिपब्लिकन। एक हार्पर विंकल करके एक व्यक्ति था, वो इनका सिंबल बनाया है। डेमोक्रेट्स का सिंबल है डंकी, बंदर, और रिपब्लिकन का है ये एलिफेंट। तो ये बहुत अमेजिंग है और बहुत फनी भी है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर द रिजर्व सब्जेक्ट। देखिए कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो रिजर्व हैं, मतलब कानून बनाने के लिए सबको परमिशन नहीं है, मतलब स्टेट को परमिशन नहीं है, रिजर्व सीट है। तो ये लैंड रेवेन्यू वाला है, इस पे ये मतलब रिजर्व सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ग्रीन रिवॉल्यूशन कभी इनिशिएट हुआ था? देखिए ग्रीन रिवॉल्यूशन इंदिरा गांधी के टाइम पे आता, वो उनके जीवन का सबसे बड़ा स्टेप था। एक दो ही चीज़ उनके मन में था, एक तो कि वो कहती थी कि मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ, तो लोग कहते हैं इंदिरा को हटाओ, गरीबों को हटाओ, वैसे करके। तो उनका मेन फोकस था कॉमन मैन को कैसे वो कर। तो सबसे बड़ा स्टेप उनका था प्रिवी पर्स को ख़त्म करना, जो राजा महाराजा को बहुत बड़ा पैसा दिया जाता था, एक तो वो। दूसरा था कि बैंक तक सिर्फ अमीर लोगों का एक्सेस था, क्योंकि बैंक बिजनेस करते थे बिजनेस इंडस्ट्रीज़ के साथ। तो 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किए। और तीसरा उनका इनिशिएटिव था ये ग्रीन रिवॉल्यूशन को, क्योंकि उस समय देश में अच्छे टेक्निकल टूल्स में हम खाने। आज भी हमारा देश जो है वो मॉडर्न इक्विपमेंट्स यूज़ नहीं करता है, और जितना 1 एकड़ में जितना हम उपजाते हैं उसका 5 गुना ऑस्ट्रेलिया में उपजाया जाता है। तो भारत की स्थिति एग्रीकल्चर में बहुत ख़राब है, इस जबकि ये दुनिया का सबसे फेवरेबल कंडीशन है एग्रीकल्चर के लिए, अगर आप बहुत ब्रीफली इसको देखें और समझें। तो इंदिरा गांधी का टर्म इस ऑप्शन में कोई सही नहीं है, फोर्थ होना चाहिए, सिक्स नहीं, फोर्थ कर लें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया, भारत में कितने हाई कोर्ट्स हैं? तो ये 24 हैं अभी फ़िलहाल में, ठीक है। रांची हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम जानते हैं आप? रवि रंजन, है ना, तो याद रखें ये सब आपके स्टेट के लिए काम आएंगे। विच ऑफ द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा इज, मैक्सिमम स्ट्रेंथ 233 हो, 238 हो सकता है। भारत तो खैर डोमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट, तो 238 आप याद रखें। हाउ मेनी लोकसभा सीट्स आर देयर इन मिजोरम, ये छोटे छोटे स्टेट हैं, एक ही दो रहता है अक्सर, तो इसका 1 होगा। व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये 6 साल होता है, 5 ईयर में कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है। विच ऑफ द शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टू बी अमेंडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, देखिए ये फर्स्ट शेड्यूल है और आर्टिकल 3, आर्टिकल 3 में ये पावर है कि वो आप चाहें तो कि मतलब नए स्टेट के फॉर्मेशन के लिए वहाँ से लॉ पास कर सकते हैं, मतलब उनको एम्पावर करते हैं, है ना। हु अमंग द फॉलोइंग कैन रिमूव गवर्नर फ्रॉम द स्टेट, ये एक सिर्फ अधिकार एक ही आदमी के पास है, दैट इज अ प्रेसिडेंट, दैट इज ही प्रेसिडेंट। व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ होल्डिंग लोक, देखिए आप अगर 30 साल के हो गए तो आप वयस्क माने जाते हैं, वयस्क या वृद्ध माने जाते हैं, अनफॉर्चुनेटली ये है। लेकिन इसका आंसर जो है, इसका आंसर बी होगा, 30 ईयर आप रख लें। और अगर राज्यसभा में जाना चाहते हैं तो आप 35 का होना पड़ेगा। और हाउ मेनी रिप्रेजेंटेटिव कैन बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राज्यसभा, तो कितने रिप्रेजेंटेटिव हैं जिनको कर सकता है, ये कई बार पूछ चुका है, 12 हैं, 12। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन विच ईयर, ये है 1950, तो आप इसको याद रखें। फिर से वीडियो बहुत लंबा हो गया बट तेज़ी से कंप्लीट करते हैं। सीनियर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट मिस्टर मुकुल रोहतगी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज, मुकुल रोहतगी जो हैं उनको अभी अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया है। बहुत देर से आप इसके बारे में सुन रहे थे, ये विधि अधिकारी होता है, भारत सरकार का वकील होता है, ये आर्टिकल 76 में होता है, तो ये अभी सारे मुकुल रोहतगी हैं, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कमोडिटी विच सब्सिडी इज गिवन टू द पुअर इन इंडिया, सब पे मिलता है ना, इसका तीनों ही होगा, सब्सिडी भारत सरकार सब पे देती है। अनफॉर्चुनेटली फर्टिलाइज़र का जो, थोड़ा आप समझ लें इसको,
फर्टिलाइज़र का सबसे बड़ा कंजप्शन हम भारत ही हमारा है, उसमें भी यूरिया खाद का है ना, और उसके बावजूद भी किसानों तक नहीं पहुंचता है, फैक्ट्री में लोग उसको यूज़ कर लेते हैं। एक सेपरेट स्टोरी है, कभी एग्रीकल्चर के चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स दैट अ प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट इन राज्यसभा। राज्यसभा में फिर से वही क्वेश्चन, लगता है फेवरेट क्वेश्चन है सर का, बार बार सेट करते। ठीक है, ये 12 होंगे, तेजी से समाप्ति कर देते हैं आज। विच आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन बिलो द एज। फिर से वही क्वेश्चन, ये आर्टिकल 24 है, ऊपर पढ़ चुके थे हम लोग, शोषण के विरुद्ध है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑर्गन ऑफ, देखिए भारत के तीन ऑर्गन्स हैं, पहला है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। सोवरनिटी जो है इसका ऑर्गन नहीं है। अब इस बात को समझ लें, ये एग्जीक्यूट करने वाले हैं, मतलब काम करने वाले हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सॉरी प्रेसिडेंट नहीं, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, जितने भी लोग हैं, आईएएस ऑफिसर, सब एग्जीक्यूटिव हैं। लेजिस्लेटिव जो ऑर्गन है वो लोकसभा, राज्यसभा होता है, स्टेट में विधानसभा और विधान परिषद होता है। ये करते क्या, लॉ मेकिंग बॉडी है, पब्लिक इंटरेस्ट पे ये लॉ बनाते हैं। और थर्ड जो है, इन दोनों में कोई मिस्टेक है तो उसको ये ठीक करेगा, ये न्यायपालिका है। तो कार्यपालिका, लेजिस्लेटिव, विधायिका और न्यायपालिका, ये तीन ऑर्गन हैं, तो आप इसे याद रखें। एक्सपेंड जैम ट्रिनिटी बाय द इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट टू प्लग द लीक। ये जैम क्या है, इस आप अच्छे से जानते हैं इसको, ये जनधन आधार मोबाइल था, भारत सरकार का था, कि जो लीकेज है उसको बंद किया जा सके। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र बोलते हैं इसको। ये होता क्या है, अगर आप एलपीजी खरीदते हैं, आपको पता ही है कि आपका पहले सब्सिडी साथ में आता था, लेकिन उसका मिसयूज़ होता था, बीच में लीकेज हो जाता था, वो किसी को बेच के कमर्शियल लोगों को, और गवर्नमेंट के डेटा में तो चला जाता था कि किसान को दिया गया या जो उपभोक्ता है उनको दिया गया। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का मतलब सीधे बैंक अकाउंट में सब्सिडी का आना है ना। स्वच्छ भारत अभियान वॉज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, किसके बर्थ इन, दुनिया में किस व्यक्ति को स्वच्छता से बहुत प्यार था, कोई गैस है? ये थे महात्मा गांधी जी है ना, और उनका एक बड़ा प्यारा सा लाइन था जो इसका थीम वाक्य है, आमी नहीं, यदि कोई दाग चलो ना तो ओकला एकला चलो रे, मतलब अगर कोई तुम्हारे साथ अगर चलने के लिए तैयार नहीं है तो तुम अकेले चलो, मतलब बी द एग्जाम्पल इफ़ यू वॉन्ट टू, जो चेंज आप दुनिया में चाहते हैं उससे वो पहले आप बने। सो बहुत अच्छा फिलोसफी था। और हाइजीन, इवन जब सत्याग्रह, ये चंपारण का जब सत्याग्रह हो रहा था तो वहाँ मूवमेंट में शामिल था कि वो लोगों को साफ सफाई और ये सारी चीज बातें बता रहे थे। महात्मा गांधी इज़ नॉट अ महात्मा, नो, ही इज़ ऑर्डिनरी मैन, लेकिन उनकी जो पॉलिसी थे, तो ऑर्डिनरी जो उनकी चीज़ें थी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनी। तो वो कहते थे कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज़ माई वे। दुनिया में उनके बहुत सारे क्रिटिक्स हो सकते हैं और बहुत लोग उनको पसंद नहीं कर सकते, ऑन द वेरियस रीज़न, में उस पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन गांधी में कुछ तो बात था जिससे पूरा देश कनेक्टेड था। तो ये बातें आप शायद जब बहुत डीप इतिहास को पढ़ेंगे तो समझ आएगी। तो बहस का बहुत बड़ा मुद्दा है अभी, इसका आंसर डी होगा। बेसिकली क्या है, द रफ एस्टिमेट ऑफ फार्मर प्रोवाइड्स लाइवलीहुड टू मेनी फैमिलीज इन इंडिया। ये रफली आप याद रखें, 115 मिलियन है। तो तेज करते हैं, आज ख़त्म कर देते हैं, अगला पार्ट नहीं बनाना पड़ेगा। हु वॉज रिमूव्ड एज अ मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग व्हेन इमरजेंसी। अभी इमरजेंसी के बारे में बहुत सारी बातें हम कर चुके हैं, तो आपको पता ही है, ये आईके गुजराल को हटा दिया गया था, बहुत कमाल के थे। बाद में फिर विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया इम्पोज द पेनाल्टी ऑफ ₹1 करोड़ ऑन गूगल फेलिंग टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इन्वेस्टिगेशन इन टू अलीज अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस इन इंडिया। मतलब ये बता रहे हैं कि किसको 1 करोड़ का ये करना पड़ा था, वो ठीक है, इन्फॉर्मेशन देने के लिए। ये बहुत न्यूज़ में था लेकिन ये बहुत पुराना हो गया। ये CCI, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का है, CCI को बोलते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। वो 1 करोड़ का जुर्माना देना पड़ा था इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। पुराना हो गया, आज के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है।
हु अमंग द फॉलोइंग ऑल्सो प्रिसाइड द सेशन ऑफ राज्यसभा एज चेयरमैन, कई बार पूछा है तो इसे छोड़ देते हैं। आप वाइस प्रेसिडेंट जानते हैं कि अगर नहीं होगा राज्यसभा का तो ये वाइस प्रेसिडेंट जी होते हैं। हु इज़ द गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, आपको पता है सत्यपाल मलिक हैं। ठीक है, सत्यपाल मलिक। उसके बाद है हु इज़ द प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमीशनर ऑफ इंडिया, आपको नाम पता है इसका, ये सुनील अरोड़ा है ना। एज पर द न्यूज़पेपर रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनली अग्रीड टू परचेज एडवांस नेवल फोर्सेज NMM, आपको पता ही होगा 85 का ए है एयरक्राफ्ट, MMR जो है एयरक्राफ्ट। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं 86। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ अग्रीड टू एक्सेप्ट द पेमेंट ऑफ एक्सपोर्ट ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट टू इंडिया इन टर्म्स ऑफ रुपी इंस्टेड ऑफ डॉलर एंड अदर करेंसी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था डॉलर का सुप्रीमेसी को ख़त्म करने के लिए। अभी ईरान पे जब सेंक्शन लग रहे थे ना, तो भारत सरकार जो है वो ये कही थी कि हम अपने ही करेंसी में व्यापार करेंगे। बेसिकली होता क्या है कि डॉलर का अमेरिका का सुप्रीमेसी इसलिए है क्योंकि डॉलर जो है उनकी करेंसी है, तो वो जितना मन उतना करेंसी छाप सकते हैं और वो ये हमेशा कहते रहते हैं कि उतना रिजर्व है हमारे पास, लेकिन ये फॉल्स है। तो बहुत कहानी है अमेरिकन सुप्रीमेसी पे, अगर आप चाहें तो एक वीडियो हम एक सेपरेट बना देंगे कि कैसे अमेरिका जो है वो डॉलर की सुप्रीमेसी को जिंदा। एक बार जो खाड़ी देश के जो कंट्री हैं वो एक बार प्लान भी किए थे कि हम सब अपने करेंसी में करेंगे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कैसे हुआ बाद में फिर डॉलर ही आ गई। तो ये बहुत अच्छा स्टेप था भारत सरकार का और बहुत सराहनीय स्टेप था, पुराना है ये भी न्यूज। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिटी ऑफ द, पता ही है इसके लिए एक इंग्लिश में टर्म है आप याद कर लें, डिवाइडेड बोलते हैं। एक्चुअली में है भी ये, कैसे है सेंट्रल अथॉरिटी और जो अगर कॉन्स्टिट्यूट हैं वो रियली में डिवाइडेड हैं पावर जो है, ऐसा लगता है फेडरलिज्म में होता है। अब कनाडा को ही ले लेना, तो वहाँ पर सारे स्टेट जो हैं वो उनके पावर जो हैं वो डिवाइडेड है। भारत भी ऐसा है, लेकिन भारत को हम कल ही बता रहे थे कि पिछले ही वीडियो में कि कैसे भारत जो है क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर का है, तो ये फिर से डिस्कशन का मुद्दा नहीं। द नंबर ऑफ ऑफिशियली ऑर्गेनाइज लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू द 8th शेड्यूल अभी 22 है, और कल के वीडियो में हम बताए थे कि कैसे बोडो डोंगरी मैथिली संथाली सबसे आखिरी में जोड़ा गया। ठीक है, और फिर उसके पहले नागपुरी मणिपुरी और पहले 14 थे, फिर सिंधी सबसे पहले जुड़ा गया था। ठीक है, तो फर्स्ट वाले वीडियो में इसको देख लें आप। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू बिल्ड अ न्यूक्लियर पावर प्लांट इन विच ऑफ द फॉलोइंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, ये करंट अफेयर है। इसका आंसर होगा मेघालय 90। विच एक्ट इंट्रोड्यूस प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 है। ठीक ना, पार्लियामेंट रिफॉर्म के वक्त आया था। ठीक है, इलेक्शन यहीं से शुरू हुआ था और इसी में हिंदू मुसलमान के लिए अलग रिप्रेजेंटेटिव आए थे जिस पे बहुत बवाल हुआ। फिर 2019 में फिर से आया, सॉरी 2019 कह रहे हैं 1919 में फिर से आया, तो पूरी कहानी आपको पता है। आर्टिकल 370 ये जम्मू कश्मीर वाला अभी बता चुके थे हम, 90 जम्मू एंड कश्मीर होगा इसका आंसर। विच शशिकांत दास हैं ये, 25वां पूछे हैं। ठीक, RBI के गवर्नर। 26 जनवरी 1950 को कौन सा एक्ट जो है वो भारत सरकार, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इन टू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950, विच एक्ट ऑफ और गवर्निंग डॉक्यूमेंट डिड इट रिप्लेस, तो ये किस मतलब जब भारत में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ उससे पहले कौन से डॉक्यूमेंट को हम लोग फॉलो कर रहे थे, ये है क्वेश्चन। ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1935। ये आखिरी में बना था और हूबहू मैक्सिमम जो लॉज के जितने भी हमारे जितने भी आर्टिकल हैं लगभग 200 इसी से मिलते जुलते हैं। तो कभी कभी शक होता है कि अभी भी 1935 का ही तो नहीं ना है, तो कमेंट बॉक्स में बताइए। टोटल नेशनल ग्रॉस प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन इज नोन एज, आप पूरे देश के नेशनल प्रोडक्ट को अगर डिवाइड करेंगे टोटल पॉपुलेशन से क्या आएगा, पर कैपिटल इनकम जानते हैं ना, प्रति व्यक्ति आय, पूरा देश का जितना पैसा है
और देश का जितना पॉपुलेशन है डिवाइड कर दीजिए, तो एक आदमी पे कितना पड़ा उसको पर कैपिटा इनकम कहते हैं, है ना। इंडिया रिसेंटली साइंड अ मल्टीलेटरल कन्वेंशन ऑफ म्यूचुअल एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट इन टैक्स मैटर, दिस विल हेल्प इन इंडिया हैविंग अ स्ट्रिक्ट चेक ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इशूज। तो आप जानते ही हैं इसको 95 का ब्रॉड ट्रेड अमंग द सार्क नेशन, ये बॉर्डर ट्रेड अमंग सार्क नेशन, सार्क में कौन कौन कंट्री है, भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं सार्क नेशन में आते हैं, ठीक है। टैक्स मैटर पे ये सरकार का सराहनीय कदम है, तो कभी फुर्सत मिले तो आप इसे गूगल करें। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन इंडिया नेबरिंग इज फेसिंग चार्ज ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट इन ऑफ द मिलियंस लिविंग देयर, बहुत लंबी कहानी है, कभी वक्त मिलेगा तो ज़रूर बताएंगे। ये श्रीलंका में कैसे तमिल और सिंगली के बीच में एक लड़ाई हुआ, और फिर कैसे हम अपने देश का एक होनहार तो नहीं कह सकते लेकिन एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर को हम लोग खो दिए थे, राजीव गांधी की हत्या हो गई थी, समझ गए। तो ये तमिल इलम करके एक बनाना चाहते थे, और जितने भी लगभग 5 लाख हिंदुस्तानी जो हैं जो भारत के तमिलियंस हैं उनको वहाँ से भागना पड़ा था, और कैसे ग्रीन हंट ऑपरेशन उनको करके उनको मारा जा रहा था, बहुत कहानी है। तो सिंगली और अब इनके बीच में बाद में फिर भारत सरकार के इंटरवेंशन पे फिर उनको सारी सुविधाएं मिली। तो बहुत बड़ा वीडियो सब बहुत लंबा हो जा रहा है, फास्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज फॉर्मेटेड इन द रिकमेंडेशन ऑफ, ये तो हिस्ट्री का क्वेश्चन है, आप जानते हैं कैबिनेट मिशन, 3 सदस्य थे इनके, कौन कौन, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्सर। हाउ मेनी शेड्यूल आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो पता ही है आपको 12 है टोटल, ये 12 जो है शेड्यूल हैं, पहले 8 थे, फिर पंचायत ऐड हुआ, एंटी डिफेक्शन लॉ ऐड हुआ, म्यूनसिपाल्टी ऐड हुआ, तो अब टोटल 12 हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज द तृणमूल कांग्रेस, आपको पता है ना ममता बनर्जी इसकी इस पार्टी की फायर ब्रांड लीडर हैं, तो ये संजय निरूपण जो हैं वो होगा इसका आंसर, अभी उस पार्टी के हैं, बाकी तो नवीन जिंदल और ये सब गुरदास सब अलग अलग हैं, आगे बढ़ जाएं एक बार खाली। हु अमंग द फॉलोइंग इज तृणमूल पार्टी, क्वेश्चन फिर से आ गया, तो ये डी है संजय निरूपण। और हु सेड द स्टेट इज नोन एज द राइट दैट इट मेंटेन्स, ये विचारक हैं, ये इनका नाम है लास्की, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, थोड़ा लंबा जरूर हो गया है। दोस्तों देखिए पॉलिटी ख़त्म हो गया, अगले वीक जियोग्राफी का वीडियो आएगा, और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप सप्ताह में जियोग्राफी पढ़ें और देखिए कि 100 क्वेश्चन में आप कितना स्कोर करते हैं। तो आपको ये प्रयास कैसा लग रहा है ये ज़रूर बताएं, और माय विश एंड ब्लेसिंग्स, आप अपने जीवन में अच्छा करें, भारत माता की जय।